राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने सिखा रही हूँ वो है वेलवेट की हैवी लुक वाली ड्रेस, जो कि फेस्टिव सीजन के लिए आप बना सकते हो, दिवाली वगैरह पे पहना सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने वेलवेट का इस तरह का बेस कट कर लिया है। ये मैंने ऑरेंज कलर का वेलवेट फैब्रिक यूज़ किया है, साथ ही साथ मैंने बकरम का भी बेस कट करके इन दोनों को जो है स्टिच कर लिया है आपस में कुछ इस तरह से। और एक मैंने चोली के लिए स्ट्रिप को कट किया है इस तरह से, 9 इंचज़ की स्ट्रिप है ये। ये मैंने 7 इंचज़ का डायामीटर कट किया है, आप अपने कान्हा जी के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें वेस्ट कट करेंगे और एक साइड पे कट लगा देंगे, जैसे हम ड्रेसेस में करते हैं। यहाँ पे हमने वेस्ट के साइज़ के हिसाब से राउंड सर्कल कट करना है और यहाँ से कट लगा देना है। तो ये देखिए, ये मैंने वेस्ट कट करके एक साइड से कट कर लिया। अब हमने ये वाली लेस ली है, गोटा पत्ती की लेस है, जो आजकल इजीली मार्केट में अवेलेबल है क्योंकि बहुत इन ट्रेंड चल रही है। तो ये लेस मैं इसके यहाँ से स्टार्ट करूँगी और यहाँ से जाते हुए यहाँ तक लगाऊँगी, पूरी बाउंड्री पे यही लेस मैं लगा दूँगी इस तरह से यहाँ तक। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने लेस को अटैच कर लिया है, तो ये कुछ इस तरह की बन के रेडी हुई है। अब मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसको मैं वेस्ट के अराउंड लगाऊंगी, कुछ इस तरह से रखूंगी, यहाँ पे स्टिच लगाते हुए यहाँ तक लगाऊंगी, देन इसको फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे डोरी इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए, हमने वेस्ट लाइन पे जो स्ट्रिप ऐड कर ली है और उसमें मैंने डोरी भी इंसर्ट कर दी है। तो अब मैं डोरी के जो कॉर्नर पर ये वाले फ्लावर्स लगाऊँगी, दो ये रिबन के फ्लावर्स बनाए हैं मैंने, हैंडमेड है। आप मार्केट से बने हुए फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, स्पंज फ्लावर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये रिबन फ्लावर का ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बना के सिखाए हैं ये आपको, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मैं इस तरह से थ्रेड और नीडल की हेल्प से मैंने फ्लावर्स को लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फ्लावर्स को अटैच कर लिया है, तो ये बेस कुछ इस तरह का बनके रेडी हुआ है। अब मैंने एक फ्लावर का पैच लिया है, ये मैंने लेस में से कट किया है, तो मैं इसको भी इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर लूँगी। आप थ्रेड नीडल की हेल्प से या फिर मशीन की हेल्प से जो है अटैच कर सकते हो। तो ये घेरा जो है ड्रेस का हमारा बनके रेडी हो चुका है, हम इसको अटैच कर लेंगे, देन इसको डेकोरेट कर लेंगे। आपके पास जो भी डेकोरेटिव मटेरियल अवेलेबल हो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप पैसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि पैच बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। तो अब हम बारी आती है चोली की। चोली के लिए मैंने कुछ इस तरह की स्ट्रिप कट की है, ये मैंने 9 बाय 3.5 इंचज़ की कट की है। इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाते टाइम लेस भी अटैच करेंगे हम इसके ऊपर, ये वाली लेस गोल्डन कलर की, कुछ इस तरह से जो है हम लेस अटैच करते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रिप पे बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको हाफ में कट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ से इस तरह से जो है जॉइन कर लेंगे। हमने जो ये जो लेस है ये शोल्डर के पास रखनी है, यहाँ पे हम जो है डोरी लगा के इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम डोरी के ऊपर स्टिच लगा देंगे, तो ये चोली हमारी बनके रेडी हो जाएगी। तो ये ड्रेस हमारी बनके रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो ये कितनी ब्यूटीफुल है। अब बारी आती है मैचिंग के मुकुट की, जिसके लिए मैंने कुछ इस तरह का मुकुट का बेस रेडी कर लिया है। तो इसके साथ साथ मैंने एक सर्कल कट किया है जिसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, देन एक मैंने स्ट्रिप ली है कुछ इस तरह की, जिसको मैं यहाँ पर पहले हम इसको जो है पेस्ट कर लेंगे, देन इस स्ट्रिप को इस तरह से घुमाते हुए जाएंगे दोनों साइड्स पे इस तरह से। ये देखिए, पगड़ी पे इस तरह से कुछ हम रैप करेंगे इसको, फैब्रिक की स्ट्रिप को। ये स्ट्रिप पे आप पहले अगर स्टिच लगा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें से फिर जो रॉ एजेस है वो नहीं निकलेंगी। इसको हम इस तरह से अंदर की साइड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपको ग्लू लगाते हुए इसको चिपकाते जाना है। मैं आपको एक बारी वैसे ही दिखा रही हूँ, आपको ग्लू लगा के ये करना है, ताजो ये साथ ही पेस्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से,
ये रो एज को आप पीछे की साइड ही रख दीजिए इस तरह से। ये पगड़ी कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह की पगड़ी बनके रेडी हो जाएगी। आप इसको भी डेकोरेट कर सकते हो, यहाँ पे पर्ल्स वगैरह ऐड कर सकते हो, बॉल चेन ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ऐड कर सकते हो। तो इसका फाइनल लुक कैसा लगेगा वो आपको थंबनेल में पता लग जाएगा। मैं थंबनेल में इसकी पिक डाल दूँगी कान्हा जी को पहना के ये कैसी लगती है ड्रेस। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।